नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पैराग्राफ स्पेसिंग की बात कर रहे हैं, यानी दो पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस है वो किस प्रकार से बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है। इससे पहले के वीडियो में हमने लाइन स्पेसिंग की बात की थी। लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पहले से हमने कुछ टाइप करके रखा है। तीन पैराग्राफ में है, ये पहला पैराग्राफ है, ये सेकंड पैराग्राफ और ये थर्ड पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के बीच में आपको स्पेस दिख रहा है, आप इसे कम ज्यादा करना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेज में स्पेस कम बच जाता है, तो हम पैराग्राफ स्पेसिंग में जा करके इसको थोड़ा कम ज्यादा करते हैं, या हमें स्पेस थोड़ा ज्यादा चाहिए। तो हम अमूमन साधारण सी गलती जो हम करते हैं, हम क्या करते हैं, पहले पैराग्राफ के आखिर में आए और एंटर कर दिया। दोस्तों जब हम ये करते हैं तो एमएस वर्ड समझता है कि आपने एक और पैराग्राफ इसमें इंसर्ट कर दिया। हमें तो पैराग्राफ तीन दिख रहे हैं, लेकिन एमएस वर्ड के हिसाब से यहाँ चार पैराग्राफ हैं। और यही गलती जो है एडिटिंग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेके फिर सामने आती है। तो किस प्रकार से पैराग्राफ की स्पेसिंग को एडजस्ट किया जाता है, इसके लिए क्या करना है, आपने पॉइंटर कर्सर या पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। जैसे सबसे पहले मैंने पहला पैराग्राफ सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने होम टैब पे क्लिक करना है। बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड होता है, अगर सिलेक्टेड नहीं है तो आपने होम पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर ये पूरा का पूरा पैराग्राफ का एरिया है, इसमें यहाँ पे एक लॉन्चर छोटा सा तीर बना है, इसे लॉन्चर कहते हैं, इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स सामने आता है, यहाँ पर स्पेसिंग में आप आएंगे। स्पेसिंग में ये दो ऑप्शंस जो हैं पैराग्राफ को लेकर के हैं, और आगे की जो ऑप्शन थी वो लाइन को लेकर के थी। लाइन के बारे में हमने पहले से वीडियो बना के इस चैनल में डाल दिया, आप वहां से उसको देख के लाइन स्पेसिंग को समझ सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं पैराग्राफ स्पेसिंग की। तो पैराग्राफ स्पेसिंग में यहाँ पे आप देख रहे हैं बिफोर आफ्टर लिखा है। बिफोर का अर्थ है जो आपका सिलेक्टेड पैराग्राफ है या जिस पैराग्राफ में आपका कर्सर है उससे पीछे कितना स्पेस देना है वो पॉइंट में होगा, और आफ्टर है उसके बाद कितना स्पेस देना है नए पैराग्राफ के लिए। तो अभी जो करंट स्पेस वहां पे है वो 10 पॉइंट का है, आप इसे बढ़ा सकते हैं। हमने इसको 24 कर दिया और ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं दोनों पैराग्राफ के बीच में अब स्पेस 24 पॉइंट का आ गया है। सेकेंड और थर्ड के बीच में 10 का स्पेस है, और फर्स्ट और सेकेंड पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस है वो 24 का है। और इसका पता कैसे चलेगा कि एंटर से किया या नहीं किया है, तो आप लास्ट लाइन पे कर्सर रखें और डाउन एरो की करेंगे तो ये सीधे अगले पैराग्राफ में जाएगा, ये बीच में नहीं आएगा। दोस्तों इसको कम करना हो या ज्यादा करना हो, आप एक साथ सभी पैराग्राफ में स्पेस देना चाहते हैं तो आप सबको सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट ऑल कर लिया, उसके बाद आप लॉन्चर में आए और यहां पर आफ्टर में आपने पॉइंट बता देना, जैसे मैंने 24 कर दिया और ओके कर दिया। तो ये 24 पॉइंट हो गया। अब आगे नया पैराग्राफ लेते हैं, आप लास्ट लाइन पे कर्सर रखा, उसके बाद एंटर किया, तो नेक्स्ट जो होगा वो अपने आप कितना होगा, 24 होगा। अब आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के पीछे का जो स्पेस है वो कितना है। हिमाचल प्रदेश के पीछे वाले पैराग्राफ में आप रख देते हैं तो आप देखिए 24 इसके आफ्टर है। अगर आप बिफोर आफ्टर दोनों में लेते हैं तो फिर क्या होगा, ये डबल हो सकता है। इसमें आपने ध्यान रखना है बिफोर आफ्टर में से किसी एक में ही आपने स्पेस देना है। पैराग्राफ स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने एंटर से स्पेस इंक्रीज नहीं करना है। आपने अगर डिक्रीज करना है तो आप क्या करें, जैसे इन दोनों पैराग्राफ के बीच में स्पेस नहीं चाहिए, आप इधर आए और यहां पर आपने इस स्पिन बटन से इसे कम ज्यादा करके देखना है, बिल्कुल 0 कर दिया तो ये बिल्कुल साथ में जुड़ गए इस प्रकार से। फिर पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और स्पेस में आए और हमने थोड़ा सा 6 पॉइंट का स्पेस कर दिया। इस प्रकार से आप स्पेस दे सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।